ओम दोस्तों, आज ज़ाज़न टैरो स्पेस में हम देखेंगे कि हमारे जो एरीज दोस्त हैं, मेष राशि वाले, उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। ये वीडियो आप तब देख सकते हैं अगर आपकी मेष राशि है, मतलब राइजिंग साइन या असेंडेंट है, या फिर सन साइन या मून साइन है। तो इस वीक में हमारा जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए फर्स्ट कार्ड आया है, बॉब कैट स्पिरिट। लाइफ इज अ मिस्ट्री, जीवन एक रहस्य है, और आपको इस वक्त जो है जीवन काफी रहस्यमयी लगेगा। इतना ही नहीं, इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश आप करेंगे। फैमिली लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो फैमिली है उसके साथ में आप कंफर्टेबल टाइम, एंजॉयमेंट वाला टाइम बिताते हुए कहीं घूमने जाना हो घूमने जा सकते हैं। फाइनेंशियली कंफर्टेबल, अपने आसपास की चीज़ों को, वस्तुओं को, सबको एंजॉय करेंगे। घर में जो बुज़ुर्ग हैं, नाना नानी, दादा दादी, या यदि आपसे बड़े जो लोग हैं घर में, उनके साथ भी, अपने से छोटों के साथ में भी, सबके साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनके साथ भी अच्छा वक्त बिताएंगे। काम कोई भी नया इस हफ्ते शुरू कर सकते हैं, उसको शुरू करेंगे तो बहुत एनर्जी से शुरू करेंगे। आपके पास काफ़ी एनर्जी रहेगी चीज़ों को शुरू करने के लिए। अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। अगर कोई न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई ऐसी रेगुलर आप अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आए तो आपके पास एंथुजियाज्म भी होगा, डिटर्मिनेशन भी होगा, एक फोकस होगा आपके पास। उस फोकस के साथ आप आगे बढ़ेंगे काफ़ी एनर्जी के साथ में। देखें करियर कैसा रहेगा। पेज ऑफ मटेरियल्स एंड नाइट ऑफ मटेरियल्स। फाइनेंशियली अगर आप सोच रहे थे कि आपको कोई रेज चाहिए है, फाइनेंशियल बेटरमेंट के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे अपनी वर्क प्लेस में, तो ये अच्छा वक्त है। आपका ऑफिस एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट ज़्यादा कंफर्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फाइनेंशियली ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है कोई आप न्यू टेक्निकल गियर लेकर के आना चाहते थे अगर अपने ऑफिस में, या आपका अगर जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ का जो माहौल है, उस माहौल में ज़्यादा कंफर्टेबल होना, चीज़ें डेवलप करना, कंफर्ट्स मिलना आपको वर्क प्लेस में, वो नज़र आ रहा है। उसके बाद देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। तो ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सनल लाइफ में अगर आपको कोई स्ट्रेस थी या टेंशन थी, तो ये वो वक्त है जब आप उससे आगे निकल पाएंगे। जीवन आपको खींच के आगे निकाल लेगा। हो सकता है अगर आप किसी की मदद चाहते थे तो वो मदद भी आपको मिल जाए, और एक बार आपको जीवन खींच करके उससे बाहर निकाल लेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त, फुलफिलिंग वक्त है। जो कंप्लीशन आप ढूंढ रहे थे कि ये चीज़ पूरी हो जाए, वो चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। जो लोग मैरिज के लिए या प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। फैमिली एंजॉय करेंगे, घर को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे इस हफ्ते। आप लोग दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहें, देखिए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये हफ्ता काम के लिए भी एनर्जी भरा है, और पर्सनल चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप्स के लिए। और एक चीज़ आपके मन में बनी रहेगी कि कुछ एक सेंस ऑफ मिस्ट्री, एक रहस्यवादीपन जीवन का आपको मन में जैसे एक सवाल खड़ा करे रहेगा कि
जैसे मन में एक रहस्य के ऊपर सवाल कि मैं आप कुछ जानना चाहते थे या आप ये सोच रहे थे कि जीवन क्या है, ये बात आपके मन में घूम रही थी, ऐसी कोई भी चीज़ हो, ये सवाल आपके मन में इस हफ्ते बना रहने वाला है। एक बहुत ही प्यारा स्पिरिचुअल गाइडेंस आया है आपके लिए। जिस तरीके से इस नेचर में, इस प्रकृति में एक तोता जो है मैना को देख करके ये नहीं कहता कि वो मैना है और मैं तोता हूँ, वो मैना है इतना मीठा गाती है, मैं तोता क्यों हूँ, और मैना भी तोते को देख करके ये नहीं बोलती कि वो देखो वो इंसान की तरह बोल सकता है और मैं नहीं बोल सकती। जिस तरीके से ये कंपैरिजन नेचर में नहीं होता है, उसी तरीके से आप भी कोशिश करें कि अपने जीवन में कंपैरिजन ना करें, स्वयं को किसी से कंपेयर ना करें। आप जो हैं उसके लिए शुक्रगुजार भी रहें और खुश हों, धन्यवाद दें कि भगवान ने आपको वो क्वालिटीज़ दी हैं, वो अच्छी चीज़ें दी हैं या जीवन में वो खुशियाँ दी हैं जो उन्होंने दी हैं आपको। आप यूनिक हैं एंड सेलिब्रेट योर यूनिकनेस, आप जो हैं उसी को सेलिब्रेट करें। ठीक है दोस्तों, तो एरीज फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। ओके।